तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की स्टूडियो में बात करने वाली की गाइस, आप किस तरह से रियलमी के C11 डिवाइस के अंदर फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जी हाँ गाइस, अगर आप भी रियलमी का C11 डिवाइस यूज करते हैं एंड गाइस आप चाहते हो फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, तो गाइस आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगा कि गाइस आप किस तरह से रियलमी के C11 डिवाइस के अंदर गाइस फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। तो गाइस यार, पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो को कंटिन्यू देखनी है यार, लास्ट तक देखनी गाइस, वीडियो को स्किप नहीं करनी। गाइस आप एक भी स्टेप अगर स्किप कर देते हो तो गाइस आप अपने रियलमी के C11 डिवाइस के अंदर फॉन्ट स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप जुड़े रहो हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। बट आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइस, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं टेक अर्जुन रोड हिंदी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले यार आपको यहां पर अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करते हैं, यहां पर सर्च करना है जेड फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद गाइस ये जो एप्लीकेशन आता है, सिंपली गाइस आपको ये एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। सो गाइस, मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखी है, तो गाइस मैं एप्लीकेशन को डायरेक्टली ओपन करता हूं। एंड जैसा आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, आपसे जो भी परमिशन मांगा जाएगा, सिंपली परमिशन को अलाउ कर लेनी है। तो चलिए गाइस, मैं यहां से परमिशन को अलाउ कर लेता हूं। सो गाइस, यहां पर जैसे कि देख पा रहे गाइस, मैंने यहां पर परमिशन को अलाउ कर दिया। एंड उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से यहां पर इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, काफी सारे तमाम ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहां पर गाइस आपको कलर्स में भी फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं और इमोजी में भी। और गाइस हम लोगों को यहां पर स्टाइलिश में आना है, ठीक है। जैसा आप स्टाइलिश पे आओगे, सी ऑल पर क्लिक करनी है। एंड गाइस अगर एड आ जाता है तो सिंपली गाइस एड नु कट कर लेनी है। एंड उसके बाद गाइस देखो, यहां पर काफी सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है। तो गाइस चलिए, मैं यहां से कोई भी एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं आप सभी को दिखाने के लिए कि गाइस आप किस तरह से चेंज कर सकते हो फॉन्ट स्टाइल को, वो भी अपने रियलमी के C11 डिवाइस के अंदर। चलिए गाइस, मैंने इस फॉन्ट को सिलेक्ट किया, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। गाइस ये डाउनलोड हो चुका है और अभी गाइस एक एड आ चुका है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या करनी है, एड को स्किप कर देनी है। सो गाइस, अब यहाँ पर जैसा आप एड को स्किप कर देते हैं, उसके बाद गाइस आप यहाँ पर आपको एक अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पर क्लिक करनी है और गाइस यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करनी है। और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग के अंदर आना है, मतलब सॉरी इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको सेटिंग के अंदर आना है, ठीक है। तो गाइस चलिए, इंस्टॉल हो रहा है। गाइस यहाँ पर देखिए, इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करनी है, सिंपली गाइस यार आपको सेटिंग के अंदर आना है, ठीक है। तो गाइस चलिए, मैं यहाँ पर अपने सेटिंग के अंदर आता हूँ। एंड जैसे सेटिंग के अंदर आते हैं, उसके बाद गाइस यार आपको यहाँ पर देखिए क्या करनी है, सिंपली इधर नीचे कराना है। यहाँ पर गाइस यार आपको लैंग्वेज एंड रीजन के एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आनी है और रीजन वाले ऑप्शन पर आनी है। यहाँ पर इंडिया रहेगा, यहाँ पर हम लोगों ने म्यांमार सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर म्यांमार सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर ये आ चुका गाइस हम लोग का म्यांमार। चलिए मैंने म्यांमार को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद गाइस यार क्या करनी, सिंपली बैक आनी है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। सिंपली हम लोगों ने क्या करनी है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर आना है। एंड यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस यार फॉन्ट साइज वगैरह, काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन से नीचे साइड, तो आप यहाँ पर देख पा रहे एक ऑप्शन जो दिया गाइस सपोर्ट डे करेक्टर। सिंपली हम लोगों ने क्या करनी, इसको एनेबल कर देनी। तो चलिए गाइस, मैं इसको एनेबल कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख पा रहे, मैंने इसको एनेबल कर लिया। यहाँ पर देखिए भाई, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है, जिसकी गाइस आप भी यहां पर देख पा रहे। जैसे मैंने इसको एनेबल किया गाइस, यहां पर फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। सो गाइस, अगर आप भी रियलमी का C11 डिवाइस यूज करते हैं, गाइस आप चाहते हैं फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, तो गाइस आप इस तरह से गाइस रियलमी के C11 डिवाइस के अंदर गाइस फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं किसी और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।